नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम पेश है राजस्थान की आज की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, और आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों में 9वीं से ऊपर की कक्षाएं आरंभ हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक स्कूल खोलने की तिथि तय तक नहीं हुई है। कोरोना के घटते मामलों के चलते अब अभिभावक और स्कूल संचालक स्कूल खोलने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि यहाँ भी 9वीं से बड़ी कक्षाओं और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थाएं आरंभ की जाए। वहीं आपको बता दें कि 5 मंत्रियों यानी शिक्षा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री कटारिया, शिक्षा मंत्री डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की अब तक केवल एक मीटिंग 24 जुलाई को हुई थी। इसमें भी 15 दिन के लिए निर्णय टाल दिया गया था। इसके बाद कमेटी ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की है। इधर अभिभावक और स्कूल संचालक लगातार मांग उठा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर बीकानेर समेत पूरी राज्य के कई जिलों में हुई भारी बारिश। आपको बता दें कि राजस्थान में मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 8 अगस्त को भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि फ्यूल सरचार्ज वसूली पर सियासत। राजेंद्र राठौर ने कहा 16 पैसे प्रति यूनिट की वसूली के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। राजस्थान में बिजली के बिल में फ्यूल सरचार्ज वसूली को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 225 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार विद्युत उपभोक्ताओं पर लाद दिया है। वहीं अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 19 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित मरीज की मौत भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि 25 जिलों में कोरोना गायब भी हो चुका है, यानी एक भी मामला यहाँ नहीं मिला है। वहीं अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में तेज बारिश और बाढ़ से लाखों हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द गिरफ्तारी करवाकर मुआवजा जारी करने की मांग की है। अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच दूसरे राज्यों से आने वालों पर हो सकती है सख्ती। सीएम अशोक गहलोत ने दिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों और राज्यों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर का प्रभाव आगामी महीनों में देखा जा सकता है। चिकित्सा सहित अन्य सभी संबंधित विभाग की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 21वें दिन से स्थिर हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम लगातार 20वें दिन कोई बदलाव नहीं किया है। डीजल की कीमतें भी लगातार 23वें दिन स्थिर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार 17 जुलाई को कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की थी। अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अतिवृष्टि, बाढ़ से जान गंवाने वालों के आश्रितों को 5 लाख की सहायता। बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ में जान गंवाने वालों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। अगली बड़ी और अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब बिजली और डीजल से नहीं, हाइड्रोजन से चलेगी भारतीय रेल। अब तक आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे की ट्रेनें कोयले, डीजल या फिर बिजली से चलती हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलेगी। रेलवे बोर्ड ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत अब 2 ट्रेनों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाने का फैसला किया है। ये थी राजस्थान की आज की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।